हेलो फ्रेंड्स, आप आए हैं गीताज किचन में। गीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की बहुत ही मजेदार सब्जी। मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में तो क्या कहने, बहुत ही मजेदार लगती है। आप इसे पूरी, परांठा, चावल, किसी भी चीज के साथ खाएं तो खाने में लाजवाब लगती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम से बनी हुई बहुत ही मजेदार सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कच्चे आम की सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और उसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल 2 चम्मच के करीब। तेल की मात्रा आप कम या ज्यादा भी कर सकते हो आम की क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। इसे हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो दोस्तों, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से धुआं आने लग गया है। तो इस स्टेज पे हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दिया है और इसमें हम मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 3 साबुत मिर्ची डाल रही हूँ, सूखी हुई साबुत मिर्ची डाली है। और इसमें हम डाल देंगे हींग 1/4 चम्मच, साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच कलौंजी, 2 हरी मिर्ची या 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक, दो मिनट तक हम अच्छे से हिला लेंगे। और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे कर रखा है ताकि मसाले वगैरह हमारे जो जले ना। और अब हम डाल देंगे इसमें करीबन 2 बारीक कटे हुए प्याज। अच्छे से मिलाते हुए हम इसे पका लेंगे। बहुत ज्यादा हमें तेज नहीं भूनना है इसे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं सौंफ 1 चम्मच, जो कि मैं पहले डालना भूल गई थी। तो जब भी आप मेथी दाना डालें तो साथ ही हम इसमें सौंफ भी डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ। तो अभी भी मैं डाल देती हूँ इसको और अच्छे से मिक्स करते हुए हिलाते हुए हम इसे पका लेंगे। दोस्तों, बहुत ही मजेदार स्वादिष्ट सब्जी बनती है। आप इसे एक बार इसे बनाइए, बहुत ही मजेदार और बहुत ही ज्यादा पौष्टिक। और इसे लगातार चलाते हम इसे पकाएंगे। बहुत ज्यादा हमें नहीं भूनना इस प्याज को। तो 2 मिनट हो गए, हमने प्याज को अच्छे से लगातार चलाते हुए हल्का हल्का भून लिया है। इसमें हम डाल देंगे 4-5 कड़ी पत्ते और इसे मिक्स कर देंगे, 2 मिनट हिलाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। और इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। और साथ ही में हम डाल देंगे जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर मैंने यहाँ पे ले रखा है। इसमें हम सब चीजों को अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार, और 1/4 चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ कलर के लिए, बहुत ही बढ़िया कलर आता है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
एक दो बार इसे अच्छे से चलाते हुए हिलाना है। और साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि प्याज और मसाले हम अच्छे से मिक्स कर पाएं। और पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से हिला देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे कच्चे आम, जिन्हें हमने क्यूब्स में काट लिया था। तो करीबन आधा किलो मैंने आम लिया है, इसका छिलका उतार के, और इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है इस तरीके से। और इसे हम मिक्स कर देंगे। आधा किलो मैंने आम लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से छील के, धो के, सुखा के और इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। और आमों को मसाले में मिक्स करने के बाद इसे हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और फिर से इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे काली कटा हुआ हरा धनिया, दोस्तों बहुत ही मजेदार सब्जी बनकर तैयार होती है। आप इसे जरूर बनाएं, आप इसे पूरी, परांठा, किसी भी चीज के साथ खाएं, खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। और अब हम इसे ढक के 4-5 मिनट तक, आमों को सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे। तो लो फ्लेम करते हुए हम इसे 5-6 मिनट तक पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में हमने एक दो बार इसे हिलाना भी है, तो अच्छे से हम मिक्स करते इसे हिला लेंगे। और साथ में हम चेक भी कर लेंगे कि आम हमारे कितने पक चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा और देर हमें इसे पकाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मजेदार सब्जी बनकर तैयार है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसमें विनेगर या फिर थोड़ी सी तेल की मात्रा और बढ़ाएंगे, तो आप इसे अचार की तरह भी खा सकते हो। और लंबे समय तक इसे फ्रिज में करीबन 1 महीने तक भी आप इसे रखकर स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखा आपने दोस्तों कितनी मजेदार लग रही है, और खाने में तो ये लाजवाब है। आप इसे जरूर बनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।